पंचोली ने किस बड़े एक्टर को हवा सिंह में रिप्लेस कर दिया? कैसा है हवा सिंह में उनका लुक? हेलो दोस्तों, मैं सोनिका जुयाल स्वागत करती हूँ आपका हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज में। सूरज पंचोली की अगली फिल्म का नाम है हवा सिंह और फिल्म का पहला पोस्टर ट्वीट किया है उनके गुरु यानी सलमान खान ने। फिल्म हवा सिंह नाम के एक हैवी वेट बॉक्सर पर बनी बायोपिक है। हवा सिंह ने 60 के दशक में बॉक्सिंग में काफी नाम कमाया था। 1961 से 1972 के बीच उन्होंने नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में हैवी वेट कैटेगरी में लगातार 11 गोल्ड मेडल जीते थे। वहीं उन्होंने 1966 से 1970 के एशियन गेम्स का गोल्ड मेडल भी भारत के नाम किया था। और अब हवा सिंह पर बन रही बायोपिक में सूरज पंचोली उनका किरदार करने वाले हैं। फिल्म के पहले पोस्टर में सूरज गटागट दूध का एक ग्लास सपाचट करते हुए दिख रहे हैं। आपको बता दें, सलमान खान ने ही सूरज पंचोली को अपनी फिल्म हीरो के साथ सलमान खान प्रोडक्शन के बैनर तले लॉन्च किया था। ये फिल्म 90 के दशक की जैकी श्रॉफ की सुपरहिट फिल्म का रीमेक थी। दोस्तों, सूरज के लॉन्च से पहले उनके सलमान की विरासत संभालने को लेकर काफी माहौल बना था, लेकिन उनकी फिल्म फ्लॉप होते ही सूरज पंचोली का असर भी हवा हो गया। इतने सालों में सूरज पंचोली कभी भी जिया खान सुसाइड की कंट्रोवर्सी से दूर ही नहीं हो पाए। यही कारण है कि उनके काम से ज्यादा उनकी पर्सनल लाइफ की चर्चा होती है। वैसे हवा सिंह बायोपिक के लिए सूरज ने कड़ी मेहनत की है। इस दौरान उनके कई वर्कआउट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे। वैसे भी सलमान खान के शिष्य होने के नाते सूरज पंचोली का फिटनेस में कोई आसानी नहीं है। उन्होंने काफी समय तक खुद सलमान खान के साथ ट्रेनिंग की थी। आपको बता दें, इस फिल्म में पहले जॉन अब्राहम थे और सूरज पंचोली ने जॉन को रिप्लेस कर दिया। अब जॉन की फैन फॉलोइंग से तो आप अच्छी तरह वाकिफ है, इसीलिए सूरज के ऊपर खुद को साबित करने का काफी प्रेशर है। अब देखना ये होगा कि हवा सिंह की बायोपिक के साथ सूरज क्या कमाल कर पाते हैं। क्या वाकई ये फिल्म उन्हें बॉलीवुड में अपने पांव जमाने में मदद करेगी, ये तो वक्त ही बताएगा। दोस्तों, आपको इस बारे में क्या लगता है और आपको इस बायोपिक का कितना इंतजार है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख डालिए। और इसी तरह के दूसरे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज को।